लो एवरी वन आज हम क्लास नाइन चैप्टर फिफ्टीन एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फ़ाइव करेंगे इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री एंड फोर किया है आज हम क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे सो so, जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्व दैम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इन अ फैमिली द इंफॉमेशन्स गैदर्ड इज़ लिस्टेड इन द टेबल बिलो क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उनने ट्वेंटी फोर हंड्रेड चौबीस सौ फैमिलीज़ को रैंडमली सेलेक्ट किया है और उन पर सर्वे किया है उस सर्वे में सर्वे में उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया है उनकी इनकम लेवल पे और इनकम लेवल पे और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स उस फैमिली में कितने हैं उस उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाया है ठीक है डिटरमाइन किया है सो क्वेश्चन नंबर फाइव में पहला जो क्वेश्चन है वो है रुपीज़ टेन थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड तक की जो मंथली इनकम है जिस फैमिली में और उस फैमिली में दो व्हीकल हैं उसकी प्रॉबिलिटी हमको फाइंड करनी है सो so, ये टेबल गिवन है हमें क्वेश्चन में इस टेबल में आप देखेंगे यहाँ पे मंथली इनकम गिवन है हमें यहाँ पे व्हीकल्स पर फैमिली गिवन है ओके okay? सो so, हमें जो क्वेश्चन में पहला पूछा गया वो पूछा गया टेन थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड के बिटवीन में जो पर मंथ जिस फैमिली की सैलरी है ओके okay? इनकम है तो थर्ड लाइन में टेन थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड के बीच की इनकम बीच में इनकम है और उस फैमिली में कितने टू व्हीकल्स हैं उस फैमिली में कितने टू व्हीकल्स तो ये टू व्हीकल्स की लाइन है टू व्हीकल्स ये रहा ट्वेंटी नाइन टेन थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड के बीच की इनकम और दो व्हीकल ऐसी कितनी फैमिलीज हैं ट्वेंटी नाइन so, सो हम सॉल्यूशन वन करेंगे हमें बताना है टेन थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड के बीच की फ़ैमिली और उनके पास दो व्हीकल हैं तो ऐसी कितनी फैमिली है ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन अपॉन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो टोटल कितनी फैमिलीज़ हैं हमें गिवन है ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो टोटल फैमिलीज़ ट्वेंटी फ़ोर हंड्रेड है और हमें बताना जो है वो कितनी फैमिलीज़ हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ट्वेंटी नाइन फैमिलीज़ है सो ट्वेंटी नाइन अपाउंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड इज द आंसर ओके ईजिली है ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे जस्ट हमें ये जो टेबल गिवन है इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके आंसर ले करना है सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में बोला है हमें जिन ऐसी फैमिलीज जिस फैम ऐसी फैमिलीज जिसमें उनकी जो इनकम है वो सोलह हज़ार रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड और मोर है और उनके पास एक व्हीकल है सो so, इस रो में सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है सिक्सटीन थाउजेंड और मोर और ऐसी फैमिलीज जिनके पास एक व्हीकल है तो ये एक व्हीकल की रो है ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं फाइव सेवेंटी नाइन वन व्हीकल एंड सिक्सटीन थाउजेंड एंड मोर सो ऊपर इन अन्यूमरेटेड नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स इज़ फाइव सेवेंटी नाइन अपॉन अपॉन टोटल कितनी फैमिलीज में, में ये सर्वे किया गया है ट्वेंटी फोर हंड्रेड फैमिलीज में किया गया है ओके okay? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए इसे कैंसिल आउट करेंगे हम थ्री वन जी बच्चा टू थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन और थ्री थ्री जा नाइन अपॉन थ्री एटा ट्वेंटी फोर एंड जीरो का ज़ीरो ओके ओके नाउ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे सो इन अ क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव के थर्ड पोर्शन में हमें क्वेश्चन करना है आंसर करना है लेस देन रुपीज सेवन थाउजेंड एंड नो व्हीकल मंथली इनकम की रो में हम देखेंगे सबसे पहली लाइन में लिखा है लेस देन सेवन थाउजेंड इनकम वाली और जिनके यहाँ कोई व्हीकल ना हो तो ज़ीरो व्हीकल वाले रो में सबसे पहले लिखा है टेन तो लेस देन सेवन थाउजेंड जिनकी इनकम है और उनके पास कोई व्हीकल नहीं है तो दस ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं टेन फैमिलीज़ हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज इज़ ट्वेंटी फोर हंड्रेड ओके सो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल है आंसर इज़ वन बाय टू फोर्टी ओके ठीक है अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर फाइव का फोर्थ पार्ट रुपीज थर्टीन थाउजेंड से रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड तक इनकम एंड मोर देन टू व्हीकल, सो इसी रो में हम मंथली इनकम की रो में हम अगर फोर्थ लाइन में देखते हैं तो लिखा है थर्टीन थाउजेंड से सिक्सटीन थाउजेंड के बीच की इनकम प्लस मोर देन टू व्हीकल तो मोर देन टू व्हीकल जो फोर्थ रो है उसमें अबव टू व्हीकल लिखा है तो इसमें हम जाएंगे थर्टीन थाउजेंड से सिक्सटीन थाउजेंड से लेके जो इनकम है बीच में ऐसी फैमिलीज और उनके उस फैमिली में दो व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल हैं अबव टू व्हीकल दैट इज़ ट्वेंटी फाइव फैमिलीज दिस वन ओके तो फोर्थ का आंसर होगा ट्वेंटी फ़ाइव अपॉन टोटल कितनी फैमिलीज है ट्वेंटी फोर हंड्रेड सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा फाइव फाइव ज अपॉन फाइव फोर 20 ट्वेंटी बचा फोर फोर्टी फाइव एट 40 फोर्टी एंड ज़ीरो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा फ़ाइव वन 5 फ़ाइव फाइव नाइन फोर्टी फाइव बचा थ्री एंड फाइव सिक्स फाइव सिक्सा वन नाइन्टी फाइव सिक्स थर्टी तो वन नाइन्टी सिक्स द आंसर नाउ हम फोर्थ फिफ्थ वन करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ पोर्शन नॉट मोर देन वन व्हीकल ओनली क्वेश्चन में गिवन है नॉट मोर देन वन व्हीकल इसका मतलब ये हो रहा है इस लाइन का मतलब वो सभी फैमिलीज को ऐड करना है जिनकी मंथली इनकम हमें गिवन है और जिनकी और जिनकी व्हीकल नॉट मोर देन वन है मतलब वन से कम हो सकते हैं जिनकी ज़ीरो से सॉरी ज़ीरो से वन के ऐसी फैमिलीज़ हमें बतानी हैं जिनकी पास व्हीकल ज़ीरो से वन के बीच है नॉट मोर देन मतलब होता है वन से कम चल जाएगा बट वन से ज़्यादा नहीं चलेगा इसका मतलब जो ज़ीरो से वन के बीच में फैमिलीज़ हैं जिनके घर में या तो एक भी व्हीकल नहीं है और या एक व्हीकल है ऐसी फैमिलीज़ का हमें बताना है प्रोबेबिलिटी सो so, हम सबसे पहले देखेंगे जो ज़ीरो जिनके यहाँ ज़ीरो फैमिलीज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे टेन प्लस ज़ीरो ये वाली रो को पूरा ऐड करेंगे हम प्लस वन प्लस टू प्लस वन ओके प्लस हमने बोला ना जिनके घर में ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे बिल एक भी व्हीकल नहीं है और या तो एक व्हीकल है इससे ज़्यादा नहीं नॉट मोर देन वन मीन्स होता है या तो एक भी व्हीकल ना हो या एक व्हीकल हो सो so, एक भी व्हीकल नहीं वाली पूरी फैमिलीज़ को हमने अडोप्ट कर लिया अब हम करेंगे जिनके यहाँ एक व्हीकल है तो वन सिक्सटी प्लस थ्री जीरो फाइव प्लस फाइव थर्टी फाइव प्लस फोर सिक्सटी नाइन प्लस फाइव सेवेंटी नाइन अपॉन टोटल कितनी फैमिलीज़ हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड फैमिलीज़ हैं सो समझ में आया यहाँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ समझ में आ रहा है आपको सो ऐसी फैमिलीज़ को हम एडप्ट कर लेंगे तो टेन प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन प्लस टू प्लस वन दैट इज़ फोर्टीन 14 प्लस वन सिक्सटी प्लस थ्री ज़ीरो फाइव प्लस फाइव थर्टी फाइव प्लस फोर सिक्सटी नाइन प्लस फाइव सेवेंटी नाइन आप एडप करेंगे कितना होगा फाइव फाइव प्लस टेन टेन प्लस नाइन नाइन्टीन नाइन्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी एट के एट यहाँ टू पर टू प्लस सिक्स एट एट प्लस थ्री इलेवन एलेवन प्लस सिक्स सेवेंटीन सेवेंटीन प्लस सेवन ट्वेंटी फोर के फोर यहाँ टू पर टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फाइव इलेवन एलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी तो टू जीरो फोर एट अपॉन ट्वेंटी फोर हंड्रेड सो नाउ डबल जीरो दिस इज द आंसर ओके ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा फिगर उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा तो आपको समझ में आ गया इस वीडियो में मैंने क्या समझाया है आपको लास्ट क्वेश्चन में जो समझना था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था बाकी सब तो आपको ईजिली इस टेबल में मिल रहे थे नॉट मोर देन वन व्हीकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट मोर देन मतलब जीरो से वन के बीच में लाई करना वन से ज़्यादा नहीं मतलब ये रो एंड ये रो नहीं लेना है हमें ओनली हमें दिस वन एंड द स्लो लेना क्यों नोट नॉट मोर दैन वन था ठीक है सो थैंक यू एवरी वन